बाबा। हाँ जी। एडवांस ज्ञान सबसे पहले गंगा ले लिया था। हैं? एडवांस ज्ञान सबसे पहले गंगा ले लिया। क्यों? एडवांस में सबसे पहले गंगा निकलती है क्या? नहीं, जितना ज्यादा सबसे पहले यहाँ एडवांस में जो एडवांस ज्ञान निकलता है वो सबसे पहले जगदम्बा लेती है, गंगा लेती है, जमुना लेती है या सरस्वती लेती है? हाँ, जमुना लेती तो है लेकिन सीधी दक्षिण में जाके गिरती है। गायन गंगा जमुना सरस्वती? हाँ, गायन तो है ना, तो जिसका गायन है यमुना का वो गिरती किधर है? दक्षिण में। देश है या विदेश है? है, दक्षिण भारत, भारत का विदेश बताया बाबन। तो विदेशियों के संग में जाके गिरेगी तो रंग कैसा लगेगा? है, विदेशियों का ही संग लगे तो विदेशियों का संग लग गया। ज्ञान तो अच्छा मिला लेकिन संग, संग सत्यानाश हो गया तो कोई असर नहीं हुआ, जीरो हो गया। कानपुर की बात कर रहे हैं ना बाबा? कानपुर में गंगा ने, सुनो तो, तीनों नदियों की बात हो रही है ना, उसमें भी यमुना के बाद फिर किसकी बात आती है? गंगा की। तो गंगा आदि में निकलती है या अंत में निकलती है? अंत में निकलती है। और अंत में कौन से धर्म वाले निकलते हैं जो तुम्हारी जीत हो जाती है? तो गंगा भी कौन से धर्म की होगी? लेकिन पहले तो संन्यास धर्म की नहीं थी ना। पहले कोई संन्यास धर्म का होता है क्या? पहले माँ बाप से जन्म लेता है तो गृहस्थी होता है या सन्यासी होता है? है, सभी गृहस्थी होते हैं। बाद में कोई मूड ऑफ हो जाता है तो घर बार छोड़ देते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, घर परिवार भूलने लग की कोशिश करते हैं। तो दूसरी है गंगा, और तीसरी नदी कौन सी दिखाई है प्रयाग में? है सरस्वती, जो बीच में आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। बेसिक में भी बीच में आई थी और बीच में ही लोप हो गई। एडवांस में भी पहले गंगा ज्ञान सुनती है, बीच में जगदम्बा सुनती है और अंत में है, अंत में फिर वही यमुना निकलेगी सूरी पुत्री, और तीनों में तीन नदियां मिलकर के एक हो जाएंगी। कब एक हो जाएंगी? जब गंगा जाकर के ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। किससे? सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहती है, तो मैदान में बहने वाले का जल ज्यादा गंदा होगा या पहाड़ के पत्थरों पर बहने वाली नदी का ज्यादा जल गंदा होगा? मैदान में कीचड़ा ज्यादा गिरता है और पहाड़ पर इतना कीचड़ा, प्रदूषण नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र पहले आकर के गौहाटी में उतरती है। कहां उतरती है? कैसी गौ? हट्टी। हट्टी माने बड़ी हट्टी है क्या? हाँ, झुकती नहीं है किसी से। तो जब गंगा, वो ब्रह्मपुत्रा गौहाटी से गुजरते हुए, गौहाटी से मिलकर के आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिलती है।
और फिर बाद में गंगा कही जाती है या ब्रह्मपुत्र कही जाती है? बाद में गंगा कही जाती है। फिर सागर से मिलती है, फिर ये नदियों का सारा पानी सागर में गिरता है, तो सहज सहज गिर जाता है या टक्कर होती है? हैं? टक्कर होती है, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं पानी की, ज्ञान जल की, और टकराते टकराते आखिरीन नदियां सागर में विलीन हो जाती हैं। तो क्या पूछ रहे? पहले तो ज्ञान एडवांस लिया तो गंगा ने, लेकिन जो चीज ली है लेने के बाद जो तुरंत दान महाकल्याण करेगा और निभाएगा उसको प्राप्ति ज्यादा होगी या लेके रख लेगा? सरेंडर तो हुआ नहीं तो प्राप्ति ज्यादा होगी है? हाँ, बलायन किसको कहा गया है? है? अरे अबलाएं मुरली में किसको कहा? क्यों? क्योंकि वो अक्षर को जानती नहीं। जो चरित्र नहीं होने वाला है, जो अमोघ वीर्य कहा जाता है, उस अमोघ वीर्य शंकर शिव को अबलाओं ने नहीं पहचाना। जब नहीं पहचाना तो जो कमजोर आत्माएं हैं, नहीं पहचान पाती हैं, कमजोर बुद्धि वाली हैं, वो दूसरों के चक्कर में फंस जाती है। तो गुरुओं के चक्कर में जब फंस जाती हैं तो अव्वल नंबर में जाएंगी या बाद में जाएंगी? बाद में, बाद का नंबर हो जाता है। और अब याद के ऊपर एक प्रश्न है, जब हम बेसिक ज्ञान चलते थे तो हमने किताबों के पढ़ के ही किताब पढ़ते थे और डेली रूटीन सेट होकर तो योग योग करते थे, तो दो महीने बाद परमधाम में जो बिंदु उससे मेरा जैसे किताबों में लिखा था उससे मेरा योग लगा, तो तीन चार घंटे जबरदस्त शांति आनंद की अनुभूति हुई, मुझे ऐसा लगा 100% निराकारी स्टेज बन गई। तो बाबा खुद 100% निराकारी स्टेज बनने के बाद आत्मा कहाँ पहुंच जाती है? फिर कहाँ उतरेगी? नरक की दुनिया में उतरेगी या स्वर्ग की दुनिया में उतरेगी? तो 100% तो झूठ बोला। निसंगति बिंदु रूप स्टेज बन गई थी और कांस्टेंट एक 3-4 घंटे तक। अच्छा, पूरे दिन भर में। तो बापा उसमें मुझे जबरदस्त शांति आनंद की करंट की अनुभूति हो रही थी। अच्छा, ये तो बेसिक में अनुभव हुआ। फिर जब हम एडवांस में कभी कभी स्टार की अनुभूति होती है साकार में, तो ये दो अंतर की उसमें करंट की भी अनुभूति हो रही, आनंद की भी अनुभूति हो रही, उसमें कभी स्टार और शांति की अनुभूति हो रही, ये दोनों अंतर की। ऊंची पढ़ाई और बेसिक पढ़ाई कुछ अंतर है? है? सहज कौन सी है? बेसिक पढ़ाई फिर भी सहज है और ऊंची पढ़ाई थोड़ी कठिन। उसमें सब पास होते हैं या नंबर बार थोड़े पास होते हैं? नंबर बार थोड़े पास होते हैं। दूसरी बात, ड्रामा 5000 वर्ष का, चारों युगों का, पांचों युगों का, ऊपर से नीचे की ओर जाता है या नीचे से ऊपर की ओर जाता है? ऊपर से नीचे। ऊपर से अवस्थाएं उतरती हैं और नीचे गिरती चली जाती हैं, संग का रंग बदलता जाता है, ऐसा होता है ना? तो शूटिंग पीरियड में भी क्या होगा? है? ऊपर से नीचे। जब भट्टी करते हैं तो ऊपर चढ़ते हैं, समझते हैं कि है बेसिक ज्ञान कुछ नहीं, कहां फंसे पड़े थे, समझा या नहीं समझा? और फिर बाद में नीचे आते, बाद में नीचे आते हैं, नीच आत्माओं के संग करते हैं, सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आते हैं, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये कैसा करता है, ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। क्या बातें याद रहती हैं? ज्ञान की बातें याद रहती हैं, बाबा की सुनाई हुई बात याद रहती है या व्यक्तियों की सुनाई हुई बातें बुद्धि में ज्यादा घूमती रहती हैं? क्या सच्चा है?
है? व्यक्तियों की बातें बुद्धि में ज्यादा घूमती रहती है, तो किसका संग का रंग लगा? व्यक्तियों का संग का रंग लगा जो नीचे की ओर जाने वाले हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं? नीचे की ओर जो आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, अंतर्मुखी होगा, वो किसी की भी ग्लानि करेगा? नहीं करेगा। जो बैरमुखी होता है वो बाहर दूसरों को 500 करोड़ को देखता है या एक को देखता है? वो एक को देखता है। तो बैरमुखियों के संग के रंग में आते आते एडवांस में तेजी से बुद्धि नीचे गिरती है। वो जो अनुभव आदि में हुआ है बेसिक में निराकारी स्टेज का, वो अनुभव ज्ञान की कमी होने की वजह से नहीं रहता, नहीं तो दूसरों का संग करेंगे। तो संग का रंग और अन्न दोष, क्या जो हम अन्न अद्ध खाते हैं उसका दोष, स्थूल भोजन नहीं, संकल्पों का भोजन भी खाया जाता है। तो जो सो है जैसा हम बुद्धि में आहार लेते हैं वैसी ही बुद्धि बनती जाती है, इसलिए ये अंतर पड़ता है। और आज में तो अवस्था अच्छी ही होनी चाहिए, बचपन कहा जाता है बेसिक को, बचपन अपना सब याद करते हैं या बचपन किसी को खराब लगता है? सब याद। लेकिन बाबा हम तो बहुत बहुत थोड़े दिन चले बेसिक में, 8-9 महीना केवल चले, ज्यादा चले नहीं। हाँ, फिर यहाँ। हाँ तो ठीक है, तो क्या हुआ, कोई थोड़ा चले कोई ज्यादा चले, चले तो हाँ कुछ समझ में नहीं आया। चाहते हुए भी संकल्प है ना, चाहते हुए भी संकल्प जो है खराब आते हैं बुद्धि में, तो मतलब क्यों अगर ना मतलब करना नहीं चाहते हैं संकल्प किसी के प्रति, लेकिन वो ड्रामा की रील घूम रही है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की रील संगम युग में घूम रही है। 63 जन्मों में जो अच्छे कर्म किए हैं वो रील जब घूमती है, तो हम कितना भी कुसंग में आना चाहें लेकिन वो कुसंग का रंग नहीं लगता। और जब बुरे कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी हम प्रयास करें उठने का, लेकिन फिर भी वो संस्कार हमको नीचे ले जाते। तो संस्कार प्रबल हुए ना, है बुद्धि प्रबल है या संस्कार प्रबल है? है संस्कार पूर्व जन्मों के प्रबल होते हैं। नींद बंद करने के बाद बाबा, वो क्या बंद करने के बाद, जैसे ये आंखें हैं, जैसे आप आंखें जैसे बंद करें बंद किया, तो वो जो संस्कार है जो निगेटिव है वो क्यों अटैक करने लगते हैं? बंद आंखों से क्या कभी अच्छे संकल्प नहीं आते? फिर चाहे आंखें बंद करो चाहे खुली रखो, मन तो अपना काम करेगा। और बाबा गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे, तो इसका देहांत में क्या अर्थ है? हाँ, जो सभी धर्म वाले हैं, सभी धर्म वाले धर्म पिताएं किसको फॉलो करते हैं? अरे धर्म पिताओं ने किसको फॉलो किया है? सभी धर्म पिताओं ने भगवान को ही फॉलो किया है ना। तो भगवान आते हैं तो सतयुग के 8-9 नारायणों की स्थापना का कार्य पूरा होता है, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही जो सन्यासी हैं, सन्यासियों का मुखिया है वो भी 7-8 को निकालता है, जन्म देता है। गंगा ने भी कितने पुत्रों को जन्म दिया है, बाद में फिर भीष्म पितामह का जन्म हुआ, 8 हुए। इसी बात को भागवत ने दिखाया है। कृष्ण के कितने भाई थे हैं? कृष्ण सहित 8 भाई थे, 7 भाइयों को माया ने कंस ने मार लिया और 8वां बच गया।
तो सभी धर्मों में वो आठ मुख्य हैं। भगवान को सभी धर्मों ने फॉलो किया, आठ हर धर्म पिता के विशेष सहयोगी होते हैं। तो गंगा के भी सात पुत्र थे और बाद में भीष्म पितामह हुए, वो जिंदा बचे और बाकी सब खेल खलास हो गया, अनिश्चय बुद्धि हो गए। आज से 150-200-250 साल पहले आसपा में कम से कम एक या आधी कला तो रही होगी, क्योंकि ऊपर से जिससे कला कम होती चली जाती है। तो बाबा तो क्या वो आत्मी की अनुभूति जो 9.5 लाख आत्मा है आदि के आत्मा उन्हीं को होती है, पूरे संसार सूत्र में एक कला या आधी कला की अनुभूति होती है जितनी भी मनुष्य आत्मा है, वो आत्मस्मृति की अनुभूति। हम राजयोग सीखते हैं, राजयोग सीखने में कोई बहुत ऊंचा चला जाता है और कोई उतना ध्यान नहीं देता तो नीचे गिरता है। जो जितना राजयोगी होगा उतना ही अपनी आत्मा को नियंत्रित करेगा या कम ज्यादा करेगा नहीं। है नहीं। तो जितना बड़ा योगी उतना आत्मा में ज्यादा शक्ति भरने वाला। और फिर वो अक्षर कहा जाता है, क्षरित न होने वाला। तो 84वें जन्म में वो आत्मिक स्थिति में रहेगा या नहीं रहेगा? विष्णु षष्ठी के आदि में विष्णु होता है या नहीं होता है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु। सत्युग के राधा कृष्ण की बात नहीं कर रहे, कौन से विष्णु की बात? संगम युग में जो नर से नारायण नारी से लक्ष्मी रूप विष्णु होता है आदि के जन्म में, तो जो आदि सो अंतिम जन्म में भी आत्मिक स्थिति में होगा या नहीं होगा? होगा। तो जब एक है 100%, तो 500 करोड़ नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? है? कोई 4 जन्म पहले ही डिस्चार्ज हो गए, कोई कलयुग शुरू होते ही डिस्चार्ज हो गए, इतने डिस्चार्ज हुए कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, कोई द्वापर के आदि में ही डिस्चार्ज हो गए। इसके पता कैसे चलेगा बाबा, यहाँ शूटिंग पीरियड में कैसे पता चलेगा? सबसे ज्यादा गिराने वाला विकार कौन सा होता है? और अपने अपने अंदर का तो सबको पता रहता है ना। तो जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अनुभव कर रही होगी कि नहीं कि मैं संघ के रंग में आता हूं जल्दी ढसर हो जाता हूं। तो उसकी शूटिंग ही ऐसी होती रहती है। बेसिक में जो इस्लाम धर्म का नारायण होगा उसकी बुद्धि में ये बात बैठेगी, नारायण नारायण की बुद्धि में, कि दृष्टि भगवान की लेने से आत्मा में ताकत आती है, संग का रंग लगता है। बैठेगा बुद्धि में? है नहीं बैठेगा। जब नहीं बैठेगा तो दृष्टि की बात तो छोड़ देगा, या तो दूसरों को दृष्टि देने लग पड़ेगा। जैसे कुमार का दादी ने क्या किया शुरू, किसी मुरली में आया क्या कि मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? नहीं। किसी मुरली में नहीं आया, लेकिन उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दृष्टि लेना और देना शुरू कर दिया। तो कौन से धर्म की आत्मा है और कौन सा विकार सबसे जास्ती नीचे गिराता है? और कौन सा? इस्लाम धर्म सबसे नीचे गिरता है। तो ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो कौन से धर्म की आत्माओं में प्रवेश करेंगी पहले? इस्लाम। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी
जो दृष्टि से बहुत ज्यादा पतित हुई पड़ी होंगी, जो दृष्टि से ही ज्यादा पतित हुई है, तो और इंद्रियों से पतित होने से बचेंगी? ऊपर से आत्मा आएगी ना, वो तो पवित्र पवित्र ऊपर से आत्मा, शिव बाबा भी तो आता है, आता किस में? पतितम कामी कांटे में आता है या सन्यासी में आता है? तो ऐसे ही वो भी आत्माएं, वो धर्म पिताएं आते हैं, तो उस समय सृष्टि की जो पतित से पतित आत्मा होती है उसमें प्रवेश करता है या दूसरों में प्रवेश करता है? तो कौन होंगे पतित से पतित? कौन से धर्म के? इस्लाम धर्म के सबसे ज्यादा पतित होते हैं, उनमें भी अव्वल नंबर कोई होगा भी नहीं। कौन होता है? है इस्लाम धर्म का जो बीज होगा, इस्लाम धर्म का जो आधार होगा, वही सबसे ज्यादा पतित होते हैं। लेकिन बाबा बेसिक में सब दादियां दृष्टि देती हैं, बेसिक में तो सारी दादियां दृष्टि देती हैं। हाँ, तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होती हैं? है सब दादियां तो अलग अलग धर्मों की। हाँ, अलग अलग धर्मों की हैं, लेकिन वहाँ ज्यादा कौन से धर्म की है? इस्लाम। दादी को मानने वाले ज्यादा है या और धर्मों को मानने वाले ज्यादा है? माउंट आबू में जाओ, सबसे ज्यादा दादी की मान्यता है या किसी और दादी की मान्यता है? दादी। क्यों दादी। है क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का जो पुण्य क्षेत्र माना जाता है अजमेर, वहां मुसलमानों का मेला लगता है। बहुत मुसलमान इंडिया में सबसे ज्यादा कहां इकट्ठे होते हैं? अजमेर। अजमेर। नाम क्या रख दिया? आज माने मेढ़ा, बेड़। आज माने बकरा, बकरी। भेड़ बकरियों के देश में इकट्ठे होते हैं, तो वो तो हद की बात, हद की भेड़ बकरियां। जिस रास्ते पे एक जाएगी, सारी भेड़ बकरियां उसी रास्ते पे गिर जाएंगी। तो जो दादी ने रास्ता निश्चित कर दिया, अरे वो भगवान हो ही नहीं सकता, उधर भूल के नहीं जाना, तो उसी रास्ते पे पीछे पीछे चल पड़ी सब। या उसने समझने की चेष्टा की उन्होंने? नहीं की। तो भेड़ बकरियों का देश हुआ, कौन सा देश है भेड़ बकरियों का अभी? है वो देश हो गया, वहां ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है। हाँ बाबा, ये मेरे साथ हुआ है। चलो, वो सबके साथ हुआ। बाबा, हाँ, मंगल खगोल का प्रश्न है। मंगल ग्रह पे वैज्ञानिकों ने यान बनाकर भेजा और वो यान का मटेरियल वही मंगल ग्रह पे रह गया, तो वो मटेरियल जो पृथ्वी से बना है, जो धरती उससे बना है, तो 5000 वर्ष का ड्रामा रिपीट होता, तो मटेरियल यान का वापस पृथ्वी में कैसे मिलेगा? क्या वो यान का मटेरियल जो मंगल ग्रह पे है वो वापस पृथ्वी में कैसे मिलेगा? ये तुमने बुद्धि में कैसे समझ लिया कि जब टोटल दुनिया का विनाश होता है तो सब ग्रह आपस में टकराते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? है बृहस्पति। कौन है बृहस्पति? शिव बाबा। तो जो बड़ा, बड़े से बड़ा है और बहुत बड़ा है, उससे छोटे टकराएंगे तो किस में मिल जाएंगे? है वो बड़े में ही मिल जाते हैं। बाबा, भक्ति मार्ग में पानी आई मोलक में थी, उसका क्या देह में है? भक्ति मार्ग में बच्चे को मस्जिद से फाड़ करके दिल को गिरा दिया और फिर बच्चा जिंदा हो गया, तो देह में क्या है? यहाँ ज्ञान में जिंदा होते हैं, मरते हैं कि नहीं मरते हैं? है यहाँ जिंदा भी होते हैं, ज्ञान सुनते हैं, विश्वास करते हैं तो जिंदा हो जाते हैं, सूरजीत हो जाते हैं, और अविश्वास हो जाता है। ऐसे ही वो भी कथा है, मोर ध्वज माने मोर का ताज लगा हुआ है। कौन आत्मा हुई? जिसके सिर में मोर का ताज लगा हुआ है, वो मोर ध्वज हुई। तो ये कथाएं कहां की हैं? है संगमयुग की कथा है। संगमयुग में मरते जीते रहते हैं, उन्होंने समझ लिया, स्थूल में जिंदा कर दिया। और सत्यु केता में काम विकास से बच्चे पैदा होते नहीं, उनको तुम माता को पूछ लेते। तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं। तीन प्रकार की, एक बीज रूप आत्मा और दूसरी होती है वो आधार मूल आत्मा। अच्छा। और ये आधार मूल आत्मा क्या होती है ये समझ नहीं आया।
हर, हर माने हरण करके ले जाए, और उत्त माने ऊपर, जो नीचे से ऊपर उठा के ले जाए। तो जब डूबता है कोई, तो जो निकालने वाला होता है वो अच्छा तैराक होगा वही निकालेगा, या साधारण तैराक निकालेगा? अच्छा, जो उससे भी ज्यादा गहरी डुबकी लगाने वाला होगा वो नीचे से उठा करके ऊपर ले जाएगा। है तो बीज रूप आत्माएं हैं सबसे ज्यादा पावरफुल, ये बीज ही उद्धार मूर्त हैं। उत माने ऊपर, हर माने हरण कर ले जाने वाली। जो भी आत्माएं इस सृष्टि पर नीचे गिर जाती हैं, उनको नीचे की स्टेज से उठाकर ऊपर ले जाने वाली ये बीज रूप आत्माएं हैं, जो बाप के रुद्रमाला के मणके सबसे पावरफुल बच्चे हैं, उनको कहते हैं बीज रूप आत्मा। हाँ, जो सतयुग के सात नारायण होते हैं ब्रह्मा बाबा के बाद वाले, वो नंबर बार कम कला के नारायण है, तो कम जन्म लेने वाले हैं, 84 जन्म तो पूरे लेंगे नहीं जब बाबा, तो वो सब जो संगम युग में स्वर्ग स्थापन होगा वैकुंठ, उसमें तो आएंगे नहीं बाबा, तो फिर वो बीज रूप जो संगम युग में 4.5 लाख वो जन्म किसको देंगे? उनके आधार तो वही है वहाँ पे। हाँ, तो वो फिर यहाँ पे जन्म कैसे देंगे? ऐसा है, यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण हैं, चाहे बेसिक में है चाहे एडवांस में, एडवांस में भी विरोध करने वाले हैं या नहीं है? और बेसिक में भी सच्चाई का विरोध करने वाले हैं, सत्यम शिवम सुंदरम का विरोध करने वाले हैं? तो जो विरोध करने वाले हैं वो नंबरवार हैं, एक जैसे हैं नंबरवार हैं? कोई इस्लाम धर्म के हैं, कोई बौद्ध धर्म के हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म के हैं, कोई चंद्रवंश के, क्या अब समझ में आ गया? है इतना क्लियर नहीं हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ? नंबर बार तो विरोध करने वाले हैं, लेकिन वो जन्म यहाँ पे उम्मीद जन्म ले। हाँ, माने यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं और धर्मों की हैं, भले वो कन्वर्ट हुई हैं या बिना कन्वर्ट हुई हैं, तो जो कन्वर्ट हुए हैं उनको बाबा इधर खींच लेता है कि नहीं? तो जिनको खींच लेता है, जो सरेंडर हो गए हैं, उनकी जिम्मेवारी किसके ऊपर हो गई? शिव बाबा के ऊपर हो गई। तो जिनकी जिम्मेवारी शिव बाबा के ऊपर हो गई, वो चाहे मरे चाहे जिंदा रहे, चाहे टकराएं चाहे हत्या हो चाहे कुछ भी हो, जिम्मेवार कौन? शिव बाबा। तो वो आत्माएं 9 लाख की संख्या में आएंगी या नहीं आएंगी? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं रुद्रमाला के वत्सों में 4.5 लाख में, वो प्रवेश करने वाले बेसिक में बैठे हैं कि नहीं? बेसिक से शरीर छोड़ करके इधर आ रहे हैं कि नहीं? तो उनको गिनेंगे नहीं आदि की सृष्टि में? नहीं गिनेंगे बाबा। सत्यु पिता में तो काम का बच्चे पैदा होंगे नहीं, तो फिर प्रकृति ने स्त्री पुरुष के लिंग का आकार प्रकार ऐसा क्यों बनाया? सत्यु पिता में ऐसा होता है? नहीं सत्यु पिता। तो तुमने ये प्रश्न कैसे कर दिया? तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि सत्यु पिता में भी ऐसा ही आकार प्रकार होता होगा, इसलिए बुद्धि उसी में लगी रहे। सत्यु पिता में ऐसा नाम निशान भी नहीं रहता। वहां श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है, श्रेष्ठ इंद्रियों का आकर्षण होता है या गोमूत्र की इंद्रियों का आकर्षण होता है? श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी है? श्रेष्ठ इंद्रियां हैं जो आत्मा के आसपास है, नजदीक है। आंख है, कान है, नाक है, मुख है, ये सब श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। तो श्रेष्ठ इंद्रियों का आकर्षण वहां होता है, जैसे पपीता है, एक पपीता का वृक्ष यहां हो फीमेल फल देने वाला, और 2 किलोमीटर दूर आसपास कहीं भी पपीते का वृक्ष नहीं है, उस दायरे में सिर्फ एक ही मेल वृक्ष है,
तो 2 किलोमीटर दूर से वो अपना पराग खींच लेता है और उसमें पपीते आते हैं, फल आते हैं। तो जब जड़ में भी ऐसा है तो चैतन्य में आकर्षण शक्ति नहीं होगी। तो चैतन्य में इतनी आकर्षण शक्ति है कि लक्ष्मी नारायण, शंकर या पार्वती लंबे समय तक दूर रहते हैं, दूर रहते ही नहीं, और उनका पराग एक दूसरे से मिक्स होता रहता है। इंद्रियों का मिलन नहीं होता है, न भ्रष्ट इंद्रियों का मिलन, न श्रेष्ठ इंद्रियों का मिलन। कौन सा मिलन होता है? वाइब्रेशन का मिलन होता है। तो वाइब्रेशन की औलाद पैदा होती है 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण। तो इतनी ऊंची आत्माएं हैं। जो आधार मूर्ति नारायण है, बेचारी आत्माएं। रुको पूछ ले, अबलाओं को भी मौका दे दो। जो आधार मूर्ति नारायण है, सतयुग में जो आधार मूर्ति नारायण है, वो जन्म किसके द्वारा लेंगे? जन्म किसके द्वारा? सतयुग में जो अव्वल नंबर आधार मूर्त नारायण है किसके द्वारा जन्म लेता है? अरे उन्हीं को बोलने दो जिनका प्रश्न है। सतयुग में जो अव्वल नंबर राधा कृष्ण वाली आत्मा है, सतयुग के फर्स्ट नारायण बनते हैं, वो किससे जन्म लेते हैं? कौन? लक्ष्मी नारायण। वो बीज रूप है या नहीं है? बीजों में अव्वल नंबर के बीज हैं या नहीं है? राम सीता। हाँ, अव्वल नंबर के बीज हैं कि नहीं? तो कोई द्वयम नंबर का भी बीज होगा, कोई तीसरे नंबर का बीज होगा। जो दूसरे नंबर का बीज होगा वो दूसरे नंबर के नारायण को जन्म देगा, तीसरे नंबर का बीज होगा वो तीसरे नंबर के नारायण को जन्म देगा। अष्टदेव की पूजा होती है ना, होती है, है? हाँ। और अच्छा आप ही बोल रहे, रुका नहीं जाता बेचारे से। हाँ बोलो। हम बाबा, राम की जो सेना में बंदर थे, बंदर उनकी सेना में एक रीच था, है? रीच। हाँ अपनी बात जरूर कहना चाहिए, एक ही था, ज्यादा नहीं था, है? हाँ हाँ, एक ही था, है? जिसके शरीर में बहुत बाल होते हैं। कौन से धर्म वाले होते हैं जिनके शरीर में बहुत बाल होते हैं? बाल ही बाल, रीछ जैसे, है? शूटिंग कहाँ? अरे शूटिंग कहाँ होती है, कौन से युग में होती है? इसी युग में होती है, कहीं दूसरी जगह थोड़ी होगी, है? अपना ही प्रश्न पूछ लिया। ओहो, अपनी अनुभूति किसी दूसरे को होगी कि अपने को ही होगी? कोई होगी। मेरे मुख से दो शब्द सुनने वाला भी स्वर्ग में आएगा जरूर। मेरे मुख से ऐसा बाबा ने इशारा किया होगा ना, मेरे मुख से दो शब्द सुनने वाला। तो बाबा माँ जी से भट्टी भी कर ली, बाबा से दो शब्द सुन जैसे विश्वास भी सुप्रीम सोच शिव ने बोला, उसे पक्का विश्वास भी है। उसके बाद वो कोई मतलब तो कोई प्रसाद नहीं करता, न तीन चार एक दो साल तक क्लास भी नहीं करता, पवित्रता का प्रसाद भी नहीं करता, कोई प्रसाद नहीं करता। तो क्या वो भी 4.5 लाख की लिस्ट में आएगा और शरीर सहित स्वर्ग जाएगा? जो बीज रूप आत्माएं होती है वो एक जैसी होती है, सब अलग अलग तरीके की होती है। जो बीज रूप हैं, उनमें राजा वर्ग की भी आत्माएं होंगी, महाराजा वर्ग की भी होंगी, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग की भी आत्माएं होंगी। राजा में राजा के साथ अधिकारी होते हैं ना, बड़े बड़े साहूकार वर्ग की आत्माएं भी होंगी। अव्वल नंबर साहूकार, द्वयम नंबर साहूकार, तीसरे नंबर के साहूकार। जब
राज दरबार लगता है तो जो अधिकारी होते हैं वो भी राज्यसभा में देखने में आते हैं, और जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं वो भी राजा के साथ कुर्सियों में बैठते हैं कि नहीं? वो भी बैठते हैं। जैसे राजाओं का मर्तबा होता है ढेर सारी दास दासियां रखने का, उनके घर में भी जाओ तो ढेर सारी दास दासियां देखने में आवेंगी। तो प्रजावर्ग की कैटेगरी की भी तीन चार कैटेगरी, साहूकार कैटेगरी भी तीन चार कैटेगरी, और जो अधिकारी वर्ग होते हैं उनकी भी तीन चार कैटेगरी। राजाएं भी हैं, रानियां भी हैं, महाराजाएं भी हैं और महारानियां भी। तो जवाब मिला कि नहीं? सब आएंगे 4.5 लाख। हाँ जी, 4.5 लाख में प्रजा ही है, राजाएं ही हैं या प्रजा भी है? प्रजा। और प्रजा वर्ग में चांडाल वर्ग के भी हैं या नहीं है? वो भी है। चांडाल वर्ग में भी राजघराने के चांडाल अलग होते हैं और प्रजा के चांडाल अलग होते हैं। तो वो सब हैं कि नहीं है? 4.5 लाख आत्माएं जो बेसिक में जब शरीर छोड़ के रुद्रमाता में 4.5 लाख में प्रवेश करेंगे, तो जब ये सीढ़ी वहां जाकर जो सीढ़ी वहां जाती है सीढ़ी, तो बाबा तो बोलते हैं, तो जब बाबा बताते हैं ये आत्माएं प्रवेश करेंगे वो भी स्वर्ग में आएंगी, तो वो वहां सुनती है, तो फिर जब सुनते हैं तो विरोध भी करते हैं। कौन? बेसिक वाले। तुम जब एडवांस ज्ञान सुनने आए थे शुरुआत में तो तुमने कुछ उन्हें विरोध किया था? कुछ नहीं विरोध किया? कुछ नहीं किया, कुछ मतलब कुछ किया ना? अरे भाई, जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो जब आएंगी तो कुछ तो अज्ञान होगा उनकी बुद्धि में, या भगवान के अंदर जो संकल्प है वही सत्संकल्प उनके अंदर दौड़ रहे हैं? अंतर होगा या नहीं? तो जो अंतर हुआ वो पूछेगी। और मुरली में आया हुआ है कि एक शरीर बाड़े का और एक दूसरा शरीर मोची का होता है, मोची का होता है, एक बाड़े का दूसरा शरीर मोची का होता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, इसका मतलब नहीं समझ में आया? एक शरीर बाड़े का, बाड़े का एक शरीर मोची का, एक शरीर बाड़े का, एक शरीर बाड़े का, बाड़े 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 भी बाड़े बोल, बाड़े का दूसरा शरीर मोची का मिलता है। भारे क्या है? बाड़े, 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 बाड़े क्या है? और देखो ध्यान से देखो, पढ़ो मुरली को ठीक ठीक पढ़ के बताओ। बाबा उसके परिवार का एक सदस्य भी ज्ञान में चलता है, यानी उसके पूरे का पूरा परिवार एडवांस ज्ञान में चलता है। तो बाबा तो उसके परिवार तो बहुत बड़ा होता है, लौकिक परिवार, तो परिवार के कौन कौन होते हैं? बहुत बड़ा थोड़ा ही होता है, मामा चाचा जो परिवार, चाचा मामा और जो वो नहीं आते हैं, जो घर के परिवार के एक चूल्हे पर खाना खाते हैं रोज, वो परिवार के सदस्य, माँ बाप भाई बहन बेटे बेटी ये सब परिवार है। बेटी भी शादी होकर के दूसरी जगह चली गई तो दूसरे परिवार की हो गई। और बाबा मुरली में है जो 8 घंटे याद करेंगे वो 5वें डोनर जरूर बनेंगे। आज ही बैठ जाओ। तो बाबा 8 घंटे कैसे बैठ के 8 घंटे रेगुलर करना है या फिर चलते फिरते काम काज करते हुए याद करना कैसे है? कैसे भी कर्म करते याद नहीं कर सकते? तो वो ये थोड़े ही कहा कि कैसे, चाहे बैठ के करो, चाहे खड़े होके करो, चाहे हवाई जहाज में उड़ते हुए करो। एक कर्म करते हुए बाबा जब करते हैं ना तो फिर वो टाइम का वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। तो बाबा भी कहते हैं मैं खाना खाने बैठता हूँ, एक दो मिट्टी खाता हूँ, भूल जाता हूँ। 8 घंटे तो बाबा लेट के याद करने का अलग है पॉइंट है? लेट के याद करेंगे उसका पॉइंट अलग है, चलते फिरते करेंगे उसका पॉइंट अलग है। तो सबसे बाबा ने कौन सा अच्छा बताया? चलते फिरते जो कर्म करते याद करते हैं वो कर्म योगी है। तो कर्म योगी बनना अच्छा है ना? कोई जरूरी है जब लेटे हुए होंगे बैठे हुए होंगे तभी शरीर छूटेगा? विकर्म विनाश कर्म योग से हो जाता है, चाहे बैठे हुए चाहे लेटे हुए चाहे कर्म करते हुए,
एक्यूरेट याद है तो विकर्म भस्म होंगे, एक्यूरेट याद नहीं है, बीच बीच में विविचारी याद आती है, तो जैसे सोना खाद वाला तीखी आग में जलता है, कचड़े को अलग कर देता है, ऐसे ही अलग होने का हिसाब है याद में। ये भी याद की अग्नि। तो बाबा जैसे बैठ के याद करते तो अच्छा याद रहता, जैसे कर्म करते हुए याद करते तो थोड़ा ले बटा दर्द। कर्म करते जो प्रैक्टिस की है वो थोड़ी की होगी, मजेदारी ज्यादा ले ली। मरणोपरांत, मरणोपरांत मरने के बाद आत्मा जो है वो मनुष्य शरीर के किस अंग से निकलती है? क्योंकि ऊंची स्टेज होगी तो ऊंची स्टेज से निकलेगी। सारी जिंदगी जो याद किया होगा वही याद आएगा ना। सारी जिंदगी कौड़िया को याद किया है तो बुद्धि कौड़िया में जाएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी, वैसे आत्मा निकलेगी। जो सहजराज योग है तो इतनी असहजता कहे याद करने है? जब इतना सहज राजयोग बताते हैं बाबा हाँ, तो इतना ज्यादा असहजता का है और इतना लंबा समय, क्या ये वर्गीकरण है आत्माओं का इस कारण है? क्या आत्माओं का इतना वर्गीकरण है इस कारण? और धर्मों का वर्गीकरण नहीं है इसी कारण असहजता की बात? अरे जो जिस धर्म में संघ का रंग ज्यादा लेने वाली आत्मा है वो उसी तरह अनुभव करेगी ना। और 69-70 में जब प्रजापिता की आत्मा बेसिक ज्ञान ली थी तो उसने भी मूल्या पढ़ी होगी क्षेत्र में विनाश होगा, तो उस समय उसकी बुद्धि में क्या आता था? बेहद की विनाश की बात आती थी कि हद की विनाश की बात आती थी? रिसर्च में ये सिखाया जाता है कि कोई भी चीज की रिसर्च करनी हो तो उसके मूल में जाओ, एकदम आदि में चले जाओ। तो हद पहले या बेहद पहले है? जो हम कर्म करते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में, वो प्प्रैक्टिकल कर्म जो प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से करते हैं वो पहले, या मन के अंदर उन कर्मों का विचार आता है वो पहले? विचार आता है। तो बस यही अंतर है बाबा। हम पहले जो सपना देखते हैं वो हमें हकीकत में देखने जाने पर हमें सच हो जाता है। और पहले हमने सपना देखा था मधुबन के, वहां भी हमें गए देखा सच, और फिर देखा था कंपिल में मेरा जो वहाँ हमारा घर है, पीपल के पेड़ है, मनी प्लांट है, अरहर जुंडी है सब, और अब की गए मधुबन में वहाँ भस्ती करने तो वहाँ आपने देखा वो मेरी झोपड़ी? कुछ नहीं देखा। क्या देखा? मेरी झोपड़ी का पेड़ भी है, जो पीपल के पेड़ पे लगे हमने मनी प्लांट देखने गए थे वो है, वो हमें उसे दिखा दे हम सपने में देखा। ये क्या बड़ी बात, ये तो मनी प्लांट कहीं से भी ले जाके आप अपने घर में रख लो। मेरा घर भी वहाँ झोपड़ी है इसका। अच्छा अच्छा, तो आप मिनी वधुन को ज्यादा याद करते होंगे। तो लौकिक दुनिया में प्रैक्टिकल जीवन में जो ज्यादा याद आता है वो सपने में भी याद आता है बाबा। हाँ, आप तो हमें 30 साल पहले मिले थे लेकिन हम पहचान नहीं पाए। हाँ, तीन रोड पर हम लोहे का मुट्ठी को ले रहे थे, आपने कहा ना ले ये, आप तो सूर्यवंशी हैं, तो हमने सोचा हम तो सूरज की बेटी हैं। बाबा अगर बाबा चलती हुई ट्रेन के सामने जाकर खड़े हो जाए तो क्या होगा? ट्रेन पे ब्रेक लग जाएगी, अपने आप पलट जाएगी, आखिर क्या होगा? बाबा को पकड़ के जंजीरों में बांध के ट्रेन के सामने डाल दो, उनको पता लग जाएगा है? वो तो अमरनाथ है, पूछने की बात क्या है? उन ब्रह्मा कुमारों से कहो जा करके क्या पकड़ के बांध घूम के ट्रेन के सामने डाल दो, देखो किस ट्रेन रुकती है, देखो क्या होता है। लेकिन बाबा ने एक बात बोली हुई है, जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या कहा है?
जो अंदर से एक है और बाहर से दूसरा है, अंदर से अनिश्चय बुद्धि है, निश्चय है नहीं कि ये अमरनाथ है। कालों का काल है, महाकाल है, इसको कोई काल खा नहीं सकता, ये निश्चय नहीं है, तो प्रश्न कैसा आएगा है? कैसा प्रश्न आएगा है? अरे ट्रेन के सामने डाल दिया जाए तो कैसा होगा? हकीकत ही तो बता रहे हैं। निश्चय निश्चय बाबा के साथ, बाप है तो थॉट लीडर है ना, वो तो पहले से थॉट पकड़ लिया है, इसके मन में बता रहे हैं। जब से एडवांस ज्ञान में आए तब से हमको बाप की पार्टी पर ना के बराबर निश्चय है, बड़े से बड़ा आएगा है बाप, ना के बराबर निश्चय है, ना के बराबर अनिश्चय आया। ये अनिश्चय की बात नहीं है, बाप कारण या कारण है, ट्रेन के नीचे आ जाए तो मरेगा कि नहीं मरेगा? ये अनिश्चय बुद्धि का प्रश्न नहीं है, नहीं है? है? बाबा ये साकार वाणी में क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से जो बोली हुई है उसमें क्या कहते हैं, कृष्ण की संपत्ति बताइए 1963 किसका? कृष्ण की संपत्ति किसका? कृष्ण की संपत्ति, कृष्ण का संपत्ति 1963 बताया। 1963 ये समझ में नहीं आएगी। 1963 कृष्ण का संपत्ति आपने गलत पढ़ लिया है, कहीं ध्यान नहीं दिया। दूसरा ध्यान से पढ़ना दूसरी बार। कृष्ण का जन्म मथुरा में ही क्यों दिखाते हैं? मथुरा में क्यों दिखाते हैं क्या कृष्ण का जन्म? कृष्ण का जन्म नाम क्या है? मथुरा। क्या? मथुरा। जब मक्खन बनाते हैं दूध का या दही का तो क्या करते हैं उसको? मथते हैं कि नहीं है? तो क्या पैदा होता है? मक्खन पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही जहां बहुत मथा गया, मथाने की तरह वहां कृष्ण का जन्म दिखाया। वो मथुरा जमुना के किनारे है या दूसरी नदी के किनारे है? जमुना के किनारे है। जमुना के काला जल किसका है? जमुना। क्यों? तो बहुत है, संत है। ऐसी नदी है कि दिल्ली में जहां पहुंचती है तो 8-9 नाले वहां गिर जाते हैं। दिल्ली में बहुत ही गंदा पानी हो जाता है, लेकिन इतना गंदा होने से पहले ही जन्म होता है या बाद में जन्म होता है? है पहले दिल्ली है फिर बाद में मथुरा है। बाबा बताते हैं सन 2018 में रामकृष्ण का जन्म हो जाएगा, 36-37-22 साल के हो जाएंगे। 36-37-22 साल के हो जाएंगे। वाह भैया, ये किसने बताया आपको? एडवांस किताब में लिखा था। वाह भैया, कोई पढ़ने वाला है एडवांस किताब का? हमें तो नहीं मिला है, हमें तो नहीं मिला, इनको तो मिला नहीं है। और कोई हो पढ़ने लिखने वाला है? बोलो, ये पढ़े लिखे लोग तो बहुत बैठे हैं, ये तो कहते हैं हमने तो देखा नहीं पढ़ा नहीं। तुमने किसके मुख से सुन लिया? एडवांस कोर्स किताब थी, उसी में पढ़ा है। लो, एडवांस कोर्स किताब तो अभी हम नीचे से मंगाए देते हैं, तुम्हें बताओगे? बाबा ये जानवर जो होते हैं, जानवर आत्माएं क्या सोचती हैं, उनके दिमाग में क्या विचार आता है? मन होता है विचार करने वाला, जिसके अंदर मन होता है वो मनुष्य होता है। मनुष्य कब है? है जिसका मन पावरफुल है, चलायमान है,
चंचल है तो वो मनुष्य है। और जानवर जानवरों में भी नंबरवार है, एक जैसे जानवर नहीं है होशियार, एक जैसे होशियार है नहीं। हाथी ज्यादा होशियार माना जाता है, वो इशारे को समझ लेता है, अभी बैठना है, अभी खड़ा होना है, अभी दौड़ना है, अभी हमला करना है, अभी फाटक तोड़ना है। बाबा कहते मैं ड्रावर के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो बाबा को बंधन में किसने बांधा हुआ है? ड्रामा अनादि है या कोई बनाता है? ड्रामा को तो किसी ने नहीं बनाया है, बना बनाया है ना। तो जब ड्रामा ही अनादि है तो उस ड्रामा के अंदर आने वाला चाहे भगवान हो, चाहे शैतान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, सब सब बंधन में बंधे हुए। बाबा एडवांस ज्ञान में बाबा ने बोला कि दुनिया के सब काम प्योरिटी से होते हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं होता। जैसे आज की दुनिया बच्चे पैदा होने का जो काम होता है वो कहाँ प्योरिटी से होता है? तो ये बात में समझ में आता है दुनिया के हर काम प्योरिटी से कैसे होते हैं, इस पे जरा विस्तार। बच्चा पैदा होना ये कोई बिना संकल्प तो हो जाता है? है संकल्प आता है ना अंदर है? जो इम्प्योरिटी का संकल्प है वो संकल्प ड्रामा में नुदा हुआ है या नहीं है? तो ड्रामा झूठा है या सच्चा है? तो ऐसे ही है। बाबा एक सपना हमारा है वो साकार होगा? अरे आपको अनिश्चय आ रहा है कि निश्चय हो रहा है? निश्चय हो रहा तो काहे के लिए पूछ रही? हाँ और बाबा ये जो जैन धर्म निकला है, है? कब निकला? क्या ये जैन धर्म आया है, है? जो पीताम्बर दिगंबर दिखाते हैं, है? जो नॉलेज से बहुत मिलता जुलता है, हाँ? कब आया? तुम्हारे झाड़ के चित्र में जैन धर्म है? नहीं। जैन का मतलब क्या है? इंद्रियों को जीतने वाले। जीतने वाले नहीं, जित माने जैन, जित का बच्चा हुआ जैन। क्या एक मात्रा बढ़ गई जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ गई, ऐसे ही जिन का अर्थ है जीतने वाला और उसका बच्चा फॉलोअर वो हुआ जैन। तो इंद्रियों को किसने जीता है? अरे इतनी बड़ी सृष्टि में इंद्रियों को जीतने वाले कोई हुए या नहीं हुए? लक्ष्मी नाम कितने हुए? एक दो चार से धर्म बनता है या अनेकों से धर्म बनता है? जो फॉलोअर्स होते हैं वो जैन धर्म के अवलंबी नहीं होते हैं? जो प्रजावर्ग की आत्मा है वो जैन धर्मावलंबी नहीं है? तो जिन माने जिन्होंने जीता, क्या इंद्रियों को जीता, किसने जीता है? सबने नंबरवार जीता है या उनमें भी कोई पहला नंबर होगा? जो पहला नंबर हुआ वो हुआ ऋषभदेव, जिसको उन्होंने पहला तीर्थंकर कहा। क्या वृषभदेव या ऋषभदेव? और उसके जितने फॉलोअर हुए वो सब हो गए जैन धर्म वाला अवलंबी। इसलिए गुरु ने बोला है ये दिलवाड़ा मंदिर जैनियों ने बनवाया है, लेकिन यादगार किसका है? है तुम बच्चों का यादगार है। माना वो जो मूर्तियां वहां बैठी हुई हैं वो मूर्तियों का असली रूप कौन होता है? है तुम बच्चे ही हो। तो जैन धर्म तुम हो, तो सूर्यवंशी ही तो जैन धर्म हुआ। तो अलग से जैन धर्म दिखाने की जरूरत है ही नहीं। महावीर का जो नाम दिया है, इतने मंदिर बने हुए हैं, इतनी मूर्तियां बनाई हुई हैं,
वो महावीर आज से 2500 साल पहले हुआ भी है या नहीं हुआ? हुआ है? है? और उनके 50 साल के बाद बौद्ध महात्मा बुद्ध आए। बुद्ध का इतना बड़ा साहित्य है बौद्ध धर्म का, उसमें कहीं भी नाम नहीं आया है महावीर का। तो ये संभव है कि 50 साल पहले की बात और बौद्ध धर्मावलंबियों के किताबों में ना आई हो? संभव है? नहीं। माना महावीर नाम का 2500 साल पहले कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। ये संगम युग की सारी बातें हैं शास्त्रों में, चाहे ऋषभदेव हो, चाहे महावीर हो, चाहे कंपिला के विमलनाथ स्वामी हो। और बाबा आगे चल के जब धनराज का पाठ करेंगे, धनराज का, तो माउंट आबू में 4500 आत्मा इकट्ठा हो जाएंगी, तो उनको साक्षात्कार वक्त ने ये पाप कर्म किए, फिर धनराज उनको सजा देगा। वह सजा कैसे मिलेगी? जैसे स्थूल दंड से, स्थूल दंड से पिटाई होगी या बीमारी होगी, क्या हो सजा स्वरूप क्या होगा? मुरली ने बोला है साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं कि सूक्ष्म शरीर से सजाएं भोग लेंगे, या ब्रह्मा बाबा की तरह सूक्ष्म शरीर बन जाएगा और सजाएं भोगते रहेंगे। नहीं, स्थूल शरीर में प्रवेश होंगे जो अवलिया होते हैं ना, भूत प्रेतों कंट्रोल करने वाले, वो भूत प्रेतों की पिटाई करते हैं कि नहीं? बांध के पिटाई करते हैं या जब वो मारते हैं तब भाग जाते हैं? वो बांध लेते हैं, ऐसे ही है। यानी स्थूल दंड से पिटाई होगी, शरीर में प्रवेश कराएंगे और फिर दंड से पिटाई होगी। हाँ, वो ज्ञान हो डंडे ही है। अरे वो डंडे तो कोई चीज ही नहीं है, सारा मोटा पर कम हो जाएगा। वो डंडे तो एक जन्म के शरीर को लगते हैं, ये तो 63 जन्मों की पाप कर्म की कमाई है। तो बाबा जब वहाँ कोई व्यक्ति स्थूल दंड से पिटाई कर रहा होगा तो शोभेगा वहाँ पे? है स्थूल दंड से स्थूल दंड है तो बेहद डंडे हूँ। जैसे सपने में आकर के कोई गला दबा दे, आदमी छटपटाता रहे, उसका मुंह बंद कर दे, नाक बंद कर दे, और वो जोर से छटपटाए, तो कैसा लगता है? क्या स्थूल डंडा लगता है? नहीं, लेकिन है तो शरीर के अंदर। ऐसे ही एक सेकंड के अंदर अनेक जन्मों की छटपटाहट आगे आ जाएगी, त्राह त्राह करेंगे। गर्भ जेल में भी इतनी सजा नहीं है महसूस होती है, जो गर्भ जेल के अंदर आत्मा मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, अब मैं पाप नहीं करूंगा। बाबा जो ये संदली लगाते हैं ये भक्ति मार्ग की शुद्धि में हैं? नहीं, नीचे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। है नहीं। तुम कहो तो हम नीचे बैठ जाए। जब यज्ञ आदि में जब सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश किया तो बताया जाता है कि सेवक राम में भी प्रवेश किया और जगदम्बा में भी प्रवेश किया, पर एक ज्योतिबिंदु आत्मा एक टाइम पे एक ही स्थान पे तो सकती, एक ही शरीर तो सकती, तो कैसे कहा जाए किसने पहले प्रवेश किया? क्योंकि एक आत्मा तो एक स्थान पे एक ही समय पे होगी। स्त्री पुरुष मिलते हैं, बच्चे की पैदाइश होती है, तो एक से होती है या दो से होती है? दो से। दोनों में एक साथ बीज पड़ता है, दोनों का बीज एक साथ पड़ता है कि एक का पहले और दूसरे का 2 घंटे के बाद पड़ता है? ऐसे ही है। पर बाबा तो क्या वो अपनी पावर से दूसरे में प्रवेश कर जाता है? एक में बिंदी प्रवेश के दूसरा अपनी पावर से दूसरे में प्रवेश करते हैं, सब ये आधार आधार का अंतर है। जैसे मिट्टी होती है, वही आलू फर्रुखाबादी, और वही आलू दक्षिण भारत में जाके वो तो गैस पैदा कर देता है। बीज तो एक ही है,
ऐसे ही शिव बीज एक ही है, लेकिन अनेक जन्मों का आसर जगदम्बा का अलग है आत्मा में और प्रजापिता में अलग असर है। तो वो ही बीज साथ ही साथ दोनों में काम करता है, लेकिन एक में भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालता है और दूसरे में ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालता है। हमें समझ में नहीं आया, एक बिंदी तो एक व्यक्ति में पहली प्रवेश करेगी ना, दोनों में एक साथ कैसे प्रवेश? वो कोई स्थूल चीज है क्या? पावर तो तो फिर गंगा और गोमती में कोई कनेक्शन है? गंगा गोमती, गोमती सहायक नदी है और गंगा मुख्य नदी है, अंतर नहीं है? लेकिन गोमती भी तो पहले से निकली होगी ना। हाँ हाँ, सभी नदियां पहाड़ों से ही निकलती हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन क्यों नहीं? कनेक्शन नहीं है तो मिलती कैसे? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब नहीं है तो वो नदियां कैसे आपस में मिलेंगी? गंगा यमुना सरस्वती अल्लाहाबाद में, कहाँ कौन से बाद में? हैदराबाद में नहीं है, औरंगाबाद में नहीं, कहाँ? अल्लाहाबाद में मिलती हैं। तो पूर्व जन्म का कोई हिसाब है तभी तो मिलती है कि ऐसे ही मिल जाती है, है? मिलती है। लेकिन इसका कोई गायन नहीं ना गोमती का, ज्यादा विशेष गोमती का गायन ही नहीं शास्त्रों में? नहीं, शास्त्रों में भी उतना नहीं जितना गंगा। हर जितना उतना तो होगा ही ना, नंबर वार होते हैं सभी बाबा। ये जो भूत प्रेतों का सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आखिर बना किसका होता है, ये नहीं समझाता मुझे। लाइट का, तो लाइट का होता है तो वो स्थूल चीजों को उठाओ नीचे कैसे कर लेते? लाइट तो स्थूल है नहीं, तो वो ऊपर नीचे कैसे कर लेते स्थूल चीजों को? लाइट की शक्ति नहीं होती है लेजर किरणों से? आजकल साइंस ने बहुत काम करना शुरू कर दिया कि नहीं? लेजर किरणें लाइट नहीं है, है? लाइट है। जैसे सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा तैयार हो जाती है, तो सूर्य की जो रोशनी है वो लाइट नहीं है? और सौर ऊर्जा से ढेर सारे काम होते हैं दुनिया में कि नहीं? तो ऐसे ये भी है। अच्छा बाबा, अभी जो वाक्य हुआ था ये आसाराम बापू वाला, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सुरक्षित बचे रहे, तो वो कहते हैं कि इनकी मन शक्ति का चमत्कार, तो क्या बाबा जो भक्ति मांग जो मंत्र मंत्र इसका थोड़ा बहुत कोई पावर होती है इसमें? कुमारका दादी हॉस्पिटलाइज हो गई, कामा में चली गई कई दिन, गुप्त रखा गया, आखिरी इनके अंजाम हुआ है? शरीर छोड़ दिया, खलास हो गई। ऐसे ही ढेर सारी दादियों का हिसाब हुआ, सबका अंजाम ऐसे ही हुआ। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन अकाल मूर्त का ऐसा होगा क्या? है, होता है? है, वो किसी से जन्म लेता है? कोई उसको ज्ञान देता है? नहीं। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में जैसे बापूजी, भारत का बापूजी, विश्व का बापूजी, ये हिसाब बना हुआ है भक्ति मार्ग का। ये भी आसाराम बापू हिसाब बना हुआ है। कैसा राम? जिसे लोगों को आशा लगी हुई है कि ये काम करके दिखाएगा। तो जैसे बेहद का आसाराम होगा, वो भी मौत के मुंह में से जाकर के निकल आया होगा, है? तो वो आसाराम बापू नहीं निकल सकता, वो स्थूल हेलीकॉप्टर से निकल के आ गया। ये आत्मारूपी एरोप्लेन है, एरोप्लेन गिरता है तो कोई बचता है क्या? है, सब बिखर के चूर चूर हो जाता है।